गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सरसाइज बना रही हूँ। चैप्टर नेम है द लॉयल मंगूस। ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, आप लोग इसे ज़रूर सुने। ये क्लास 3 की बुक है, ट्रीट ऑफ अ कम्प्रिहेंसिव कोर्स इन इंग्लिश। चैप्टर 7 द लॉयल मंगूस। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द फार्मर फाइंड द मंगूस। किसान को मंगूस यानी नेवला कहाँ मिला था? द आंसर इज द फार्मर फाउंड द मंगूस इन द फील्ड। किसान को नेवला मैदान में मिला था, यानी कि फील्ड में मिला था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ से व्हेन सी सा द मंगूस। किसान की पत्नी ने जब नेवले को देखा तो उसने क्या कहा? द आंसर इज द फार्मर्स वाइफ से व्हेन सी सा द मंगूस, Why did you bring the animal home? It will harm our son. किसान की पत्नी ने जब मंगूस को देखा तो उसने कहा कि तुम जानवर को घर क्यों ले आए? It will harm our son. यह हमारे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, Who crawled into the house after the farmer left? किसान के जाने के बाद घर में कौन रेंग कर आया? द आंसर इज अ पॉइजनस स्नेक क्रॉल्ड इन टू द हाउस आफ्टर द फार्मर लेफ्ट। किसान के जाने के बाद एक जहरीला सांप रेंगकर घर में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द मंगूस किल द स्नेक। नेवले ने सांप को कैसे मारा? द आंसर इज द लिटिल मंगूस पाउंस्ड ऑन द स्नेक। द स्नेक वॉज पावरफुल बट द मंगूस फाउट विथ ऑल हीज माइट। सून ही मैनेज्ड टू किल द स्नेक। नन्हा नेवला सांप पर झपटा। द स्नेक वॉज पावरफुल, सांप जो है शक्तिशाली था, बट द मंगूस फाउट विथ ऑल हीज माइट, लेकिन नेवला जो है अपनी पूरी ताकत के साथ उससे लड़ा। सून ही मैनेज्ड टू किल द स्नेक, जल्द ही वो सांप को मारने में कामयाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द मंगूस एक्सपेक्ट फ्रॉम द फार्मर्स वाइफ। मंगूस को किसान की पत्नी से क्या आशा थी? द आंसर इज द मंगूस एक्सपेक्टेड सम प्रेज फॉर द गुड डीड फ्रॉम द फार्मर्स वाइफ। नेवले को किसान की पत्नी से अच्छे काम के लिए कुछ प्रशंसा की उम्मीद थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द फार्मर्स वाइफ रिएक्ट ऑन सीइंग द मंगूस विथ ब्लड ऑन इट्स माउथ। नेवले को खून से लथपथ देखकर किसान की पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्ट था उसका? द आंसर इज The farmer's wife saw the little mongoose with blood smeared on its mouth and legs. She panicked and flung the pot of water on her head to the ground and rushed to see her son. जब किसान की पत्नी ने छोटे नेवले को मुंह और पैरों पर खून से लथपथ देखा तो वो घबरा गई, अपने सिर पर पानी का घड़ा को जमीन पर फेंक दिया और अपने बेटे को देखने के लिए दौड़ पड़ी। नंबर 7, व्हाट डिड शी डू ऑन नोइंग दैट हर सन वाज सेफ। यह जानकर कि उसका बेटा सुरक्षित है, उसने क्या किया? द आंसर इज व्हेन द फार्मर्स वाइफ सा हर चाइल्ड सेफ दैट शी वाज इलेटेड एंड शी पिक्ड अप द लिटिल मंगूस एंड कडल्ड इट लविंगली। जब उसने देखा कि उसका बेटा सुरक्षित है तो वो खुश हो गई। शी वॉज एलेटेड, वो खुश हो गई और क्या किया उसने? उसने नन्हे से नेवले को उठाया और प्यार से उसे गले से लगा लिया। रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रीड दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ये जो लाइन दिया हुआ है ये स्टोरी से दिया हुआ है, इसे रीड करना है और इसके सवालों के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड यू ब्रिंग द एनिमल होम। ये स्टोरी का लाइन है और इसके सवालों के फिर जवाब देने हैं। क्वेश्चन है, ए
Who said these words and to whom? ये शब्द किसने कहे और किसे कहे? The farmer's wife said these words to her husband. किसान की पत्नी ने ये शब्द कहे थे और अपने पति से कहे थे. B. Which animal did the listener bring home? कौन सा जानवर जो है लिसनर घर ले आया था? The answer is the mongoose animal the listener bring home. लिसनर जो है नेवले को घर ले आया था. C. Why did the speaker say this word? स्पीकर ने वक्ता ने ये शब्द क्यों कहे थे? कौन सा शब्द? कि why did you bring the animal home? ये शब्द क्यों कहे थे? द आंसर इज द स्पीकर सेड दीज वर्ड्स बिकॉज द स्पीकर बिलीव्ड डैट द एनिमल वुड हार्म हर चाइल्ड. स्पीकर ने यानी कि वक्ता ने ये शब्द इसलिए कहे थे क्योंकि यह वक्ता को विश्वास था कि जानवर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए ये शब्द उसने कहे थे. क्वेश्चन नंबर 2. माई फियर्स हैव कम ट्रू. मेरा डर सच हो गया. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट फियर्स डिड द पर्सन. व्यक्ति को क्या भय था, क्या डर था व्यक्ति को? द आंसर इज द पर्सन फियर्ड दैट द मंगूस वुड हार्म हर चाइल्ड. व्यक्ति को यह डर था कि मंगूस उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड द पर्सन सी. व्हाट डिड द पर्सन सी. व्यक्ति ने क्या देखा? द आंसर इज द पर्सन सा डैट हर सन वॉज स्लीपिंग साउंडली एंड अ स्नेक डेड बिसाइड हिम. व्यक्ति ने यह देखा कि उसका बेटा चैन से सो रहा है और उसके पास एक सांप मरा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड. वास्तव में क्या हुआ था? द आंसर इज इट एक्चुअली हैपेंड दैट हर सन वॉज सेफ बिकॉज द मंगूस हैड किल्ड द स्नेक. वास्तव में यह हुआ था कि उसका बेटा सुरक्षित था क्योंकि नेवले ने सांप को मार दिया था. राइट ट्रू और फॉल्स. द फार्मर लिव्ड इन द आउटस्कर्ट ऑफ अ सिटी. ट्रू. फार्मर जो है वो कहाँ रहता था? नगर के बाहर रहता था. द फार्मर्स वाइफ वॉज हैप्पी टू सी द मंगूस एट फर्स्ट. जब पहली बार मंगूस को उसकी पत्नी ने देखा तो वो खुश हुई थी? नहीं. फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3. द फार्मर बिलीव द मंगूस वुड हार्म हिज सन. फॉल्स. क्या किसान को विश्वास था कि मंगूस जो है उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं. फॉल्स हो गई है क्योंकि उसकी पत्नी को यह विश्वास था कि उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, फार्मर को नहीं था, इसलिए यहाँ पर फॉल्स होगा. ट्रू. नेवले ने सांप को मार दिया था. ट्रू. क्वेश्चन नंबर 5. द फार्मर्स वाइफ वॉज हैप्पी विद द मंगूस. फॉल्स. किसान की पत्नी जो है मंगूस के साथ, नेवले के साथ खुश थी? नहीं. फॉल्स. इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कॉपी में बना दिया है, आप लोग इसे ज़रूर देख लें. कंप्लीट द सेंटेंसेस. सेंटेंस को कंप्लीट करना है विद द करेक्ट प्रोनाउंस, यानी कि करेक्ट प्रोनाउंस से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. वन में है मदर मेड कॉफ़ी फॉर रिया, तो हमको रिया की जगह पर प्रोनाउंस भरना है, इसलिए हर हो जाएगा यहाँ पर. H-E-R, हर. H-E-R, हर. दे रीमी एंड सीमी, तो यहाँ पर हम लोग को प्रोनाउंस भरना है, तो रीमी एंड सीमी नहीं भरेंगे, दे भरेंगे. दे आर सिस्टर्स. थ्री में है वी गेव पूर्वा एंड रोजी. पूर्वा एंड रोजी की जगह पर हम लोग को प्रोनाउंस भरना है देम. वी गेव देम द बुक्स. फोर में है शी इज टेलिंग हिम अ जोक. फाइव में है द कैंडीज विल बी डिवाइडेड बिटवीन देम, राधिका एंड मी. तो इन दोनों की जगह पर क्या लिखेंगे? देम. सिक्स में है शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. प्रिया नहीं बोल करके हम लोग शी बोलेंगे, ये हमारा क्या प्रोनाउन है. सेवन में अ पैकेज फॉर अमन हैज अराइव्ड, कैन यू कॉल हिज. यहाँ पर हिज हो जाएगा अमन की जगह पर. एट में है कैन यू सिंग एज वेल एज हिज. जेम्स की जगह पर हिज. सम वर्ड्स यूजली गो टूगेदर. फॉर एग्जाम्पल, कुछ वर्ड जो होते हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं, जैसे पॉइजनस स्नेक, हार्ड वर्किंग, फार्मर. सर्कल टू वर्ड्स डैट गो विद द हाईलाइटेड वर्ड इन इट सेट. दो वर्ड को सर्किल करना है जो हाईलाइटेड जो वर्ड है इस सेट में जो दिया हुआ है उसमें से दो वर्ड को क्या करना है? सर्किल करना है. जैसे फास्ट ट्रेन,
फास्ट ट्रेन, उसी तरह से फास्ट फूड, चॉकलेट शेक, चॉकलेट केक, तो इस तरह से मैचिंग कर रहा है हाइलाइटेड वर्ड से, इस तरह से कर लेंगे. स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्ट्रॉन्ग विंड, वार्म क्लॉथ्स, वार्म प्लेस, सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट ड्रिंक, ह्यूज सक्सेस, ह्यूज गेंट, तो इस तरह से हम लोग सर्किल कर लेंगे. Rewrite these group of words using an apostrophe. यहाँ पर हम लोग को सेंटेंस को दोबारा लिखना है और apostrophe s को यूज़ करना है. The shoes of my sister's shoes. The tail of my dog's tail. उसी तरह से the saree of my mother's saree. The bike of the girl's bike. The cap of my brother's cap. The doll of the girl, the girl's doll, यानी कि apostrophic s का मतलब होता है का, इसका क्या मतलब होता है का, the girl's doll, ये लड़की का गुड़िया है, apostrophic s का मतलब होता है का, तो the girl's doll या लड़की का गुड़िया है. My brother's cap, मेरे भाई का कैप है, मेरे भाई का कैप है, टोपी है. राइट द प्लूरल्स ऑफ दिस वर्ड्स, इस शब्द का यानी कि इस वर्ड का प्लूरल लिखना है. हाल्फ हाफ, हाल्फ्स, लाइफ लाइफ्स, एल आई वी एस लाइफ्स, एल आई वी ई एस लाइफ्स, सिटी सिटीज, थिफ थिफ्स, पैंसी पैंसीज, एल्फ एल्फ्स, एल्फ, यहाँ पर एफ हट जाएगा और वी ई एस ऐड हो जाएगा प्लूरल में. चेरी चेरीज, पपी पपीज, लोफ लोफ्स, बेरी बेरीज. अ पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स, पोएम को सुनना है और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है. चिल्ड्रेन बॉर्न ऑफ फेरी स्टॉक नेवर नीड फॉर शर्ट और फ्रॉक, नेवर वांट फॉर फूड और फायर, ऑलवेज गेट देयर हर्ट्स डिजायर, जिंगल्स पॉकेट फुल ऑफ गोल्ड, मैरी वैन देयर सेवन ईयर्स ओल्ड, एवरी फेरी चाइल्ड मे कीप टू स्ट्रॉन्ग पोनीज एंड टेन शीप, ऑल हैव हाउसेस इच हिज ओन, बिल्ट ऑफ ब्रिक और ग्रेनाइट स्टोन, They live on cherries, they run wild. I'd love to be a fairy's child. ये चैप्टर मैंने सारा पढ़ा दिया है, आप लोग इसे ज़रूर देख लें.